गोंदिया के सड़कअर्जुनी तालुका में पांढरी ग्राम पंचायत कार्यालय अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत दो पानी की टंकियां स्थापित की गई थी। ग्रामीणों ने पहले ही शिकायत की थी कि यह पानी टाकी घटिया गुणवत्ता की है। इसी दौरान यह पानी की टाकी गिर गई, इससे पानी टंकी की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और ग्रामीणों ने जाँच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत पांढरी में सोलर आधारित जल आपूर्ति योजना स्थापित की गई थी। गांव में दो अलग अलग स्थानों पर पंप लगाए गए थे और पानी की टाकियां लगाई गई। इसी दौरान इनमें से पानी से भरी एक टंकी अचानक फट गई और नीचे गिर गई। खास बात यह रही कि इसके पहले भी लगाई गई पानी की टंकी भी ध्वस्त हो गई थी। पांढरी में इस योजना के लिए सरकार ने 9 लाख रुपए का फंड मंजूर किया था, लेकिन इसके बाद भी घटिया पानी टंकी का उपयोग किए जाने के कारण यह कुछ ही समय में टूट कर गिर गई। एक ही घटना दोबारा होने के बाद भी संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस जलापूर्ति योजना के कार्य की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पांढरी इथे 15 विभाग मार्फत 2 पाणी टाकीचे काम झाले, सौर ऊर्जेच्या पाणी टाकीचे काम झाले होते, पण ते काम पूर्ण झाले पण 3-4 महिन्यात दोन्ही पाणी टंक्या कोसळल्या। एक बाजार चौकात लावलेली होती आपल्या, ती पण कोसळली, म्हणजे त्या पाणी टंकी जे टंकी लावली होती त्याच्या बेस बरोबर नाही, फाउंडेशन बरोबर नाही, इथं तरी कुठंतरी माशी शिंकलेली आहे, कुठंतरी कंत्राटामार्फत ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचं काम केलं आहे। सर्वस्वी जबाबदार ग्रामपंचायत आहे, तरी पण ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यावर का म्हणून कारवाई करण्यात नाही यावी, आणि तसेच संबंधित जेईवर याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, आणि आमचा जो नुकसान झाला आहे, जो 15 विभागाचा पैसा आपल्या ग्रामपंचायतला आला आणि जो लोकांचा पैसा असतो त्या पैशाचा अपव्यय करून असे निकृष्ट प्रकारचे कामं करत असतात, त्यामुळे जनतेला पाण्यापासून मुकावं लागत आहे। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, पाण्याची फार कमी आवश्यक, पाणी म्हणजे जीवन आहे आणि पाणीच आता आपल्याला मिळणं मुश्किल झाले आहे। म्हणून माझी शासनाला अशी विनंती आहे की शासनाने त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर, संबंधित कंत्राटदारावर आणि संबंधित जे ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई का म्हणून करावी नाही। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151577 पर।